हाय व्यूअर्स, अभी अभी प्रेस से मालूम हुआ है कि आयला नदीम के मर्डर से चंद हफ्तों पहले ही दानियाल मुजीब ने सामिया खान को 70 लाख रुपए दिए थे। मगर क्यों? चले, इस बात की तो कंफर्मेशन हो गई कि दानियाल मुजीब और सामिया खान एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन इस इन्वॉल्वमेंट की नौयत क्या है इसका किसी को इल्म नहीं, क्योंकि ना ही आयला नदीम की अम्मी और ना ही दानियाल मुजीब के पेरेंट्स को पता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। शायद ड्राइवर ने यह कत्ल सिर्फ दानियाल के कहने पर नहीं बल्कि दानियाल और सामिया दोनों के कहने पर किया। और क्या ये रकम सामिया ड्राइवर को देने वाली थी? दीवारों और छत पे धीमक ही धीमक है और बारिश के मौसम पे तो पानी टप टप करता होगा इस छत से। लेकिन सर पे छत तो है ना, यही बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। तुम्हारा बेटा अपने बाप के बारे में नहीं पूछता क्या? आप मुझसे मेरे बेटे के बारे में पूछने नहीं आए, जो पूछना है पूछिए। मुझे तुमसे एक काम है। ये क्या है? ले लो। आपको अगर लगता है कि ये पैसे देके आप मुझे खरीद लेंगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। क्यों? कौन सा ये घर पहले हलाल के पैसों से चलता था? रख लो, तुम्हें जरूरत है। ज़रूरत तो इंसान को बहुत सारे काम करने पे मजबूर कर देती है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये भीख देने से आप मुझे और मेरे घर वालों को ख़रीद लेंगी तो ये नामुमकिन है। मेरा शौहर अपना बयान नहीं बदलेगा। तुम्हें अपने शौहर पे भरोसा है? आपको अपने बेटे पे भरोसा है? तुम्हें तुम्हारा शौहर खुश रखता था ना, उसका कहना है कि मेरे बेटे ने उसको पैसे दे के ये जुर्म करवाया है। हाँ, मैंने जुर्म किया है। I'm guilty. धोखा दिया आप सबको, झूठ बोला है आप सबसे। मुझे आयला के साथ नहीं करना चाहिए था। मैंने आयला को सिर्फ पसंद किया, उससे मोहब्बत नहीं की। ये है मेरा चुर। मैंने फिर भी उससे शादी की। मैंने आयला से मंगनी तोड़ दी है और सही किया। ये शादी नहीं हो सकती। पहले तो सिर्फ मुझ पर शक करती थी कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अब उसे यकीन हो गया है कि मैं उससे नहीं आज भी आपसे मोहब्बत करता हूं। एंड आई थिंक She's right. I still love you. देखो दानियाल, अगर तुमने मंगनी तोड़ दी है तो ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन हम दोनों के बीच जो कुछ था वो अब नहीं है, खत्म हो चुका है। You know that. सब कुछ आपने खत्म किया है, मैंने नहीं। आपने मुझे कोई चॉइस ही नहीं दी। क्योंकि और कोई चॉइस थी भी नहीं, इसलिए। Excuse me? कैसे कह सकती हैं आप? दानियाल, प्लीज, यू नो दैट वी आर ओवर। नो वी आर नॉट। आई स्टिल लव यू। और मैं उससे शादी नहीं करूंगा। नाउ व्हाट? ठीक है, मत करो शादी उससे, लेकिन प्लीज ये बात समझ लो कि मेरी और तुम्हारी शादी मुमकिन नहीं, ना पहले थी ना अब है। ओके, समय रिलैक्स। नो, यू लिसन टू मी। आयला अच्छी लड़की है, वो तुम्हें खुश रखेगी, वो तुम्हें बहुत चाहती है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर तुम्हें मंगनी तोड़नी है ना तो ठीक है, तोड़ दो, लेकिन ये बात जान लो कि हम सिर्फ दोस्त हैं। No, we are not. We are not. दानियाल, तुम्हें मेरा फैसला पता है, मैं उस रात तुम्हें बता चुकी हूँ।
तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो कोशिश कर तो रहा हूं यार। I'm sorry. लेकिन सामिया प्लीज आप भी समझें, वो आप जैसी बिल्कुल नहीं है, एक भी बात नहीं है आप जैसी, और इस बात का एहसास मुझे हर रोज होता है यार। तुम क्यों कर रहे हो हम दोनों को कंपेयर? हाँ, Why are you doing this? एक बात समझ लो, इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। You have to tell her the truth. उसकी वजह तुम हो, वो नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब कुछ आयला को बता दिया था, सब जानती थी। जब से तुमने सब कुछ मुझे बताया है, मैं बहुत कंफ्यूज फील कर रही हूँ। देखो, इसलिए मैंने खुद ये मंगनी तोड़ी है। आई नो तुम्हें डिजर्व नहीं करती हो। क्या तुम साम्या को अपनी जिंदगी से भुला सकोगे? एंड रिमेम्बर, नो सीक्रेट्स। भुलाना चाहता हूँ, और सच में यही सोचा था कि एक बार इस चैप्टर को खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा। देखो, हो सकता है कि अभी हमें सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन शादी के बाद ये इतना मुश्किल ना हो। कुछ तो कहो। तुम्हें पता है दानी, अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि रिश्ते में एक शख्स प्यार करते है और दूसरा प्यार करवाता है। आई थिंक आई नो मैं इस रिश्ते में कौन हूं। हाय समिया खान, कैसी हैं आप? मुझे आपसे कुछ स्टेटमेंट्स। क्या लगता है तुम्हें, कैसी होंगी मैं? लुक, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। जॉब? रियली? एटलीस्ट इस हॉबी को तुम जॉब मत बोलो। आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, आपकी नाराजगी जस्टिफाइड भी है। गुस्सा नहीं है ये, ना ही नाराजगी है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। यू नो, तुमसे जब मैं पहली दफा मिली थी ना, मुझे लगा था कि बहुत काबिल लड़की है, एक दिन बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी। आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाई योर पोटेंशियल, बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। जानती हो, ये जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हो, जो जो तुम उस पर बोलती हो, जो शोशे छोड़ती हो, उससे क्या होता है? लोगों की जिंदगियां खराब होती है, तबाह हो जाती है। जस्ट लुक एट मी नाउ, कहीं पे भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। सब लोगों को लगता है कि आयला के मर्डर से मेरा कुछ लेना देना है। तो मैंने ऐसी तो कोई बात कही नहीं अपने वीडियोस। तुम्हें जो कुछ कहना था ना, तुम कर चुकी हो। एटलीस्ट कोई और जर्नलिस्ट होता ना, वो अपनी रिसर्च पहले करता। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जो तुम कुछ करना चाह रही हो ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जरूरी नहीं है कि हर खबर सनसनी खेज हो, उसका सच होना लाजमी होता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने आयला की मदर से कॉन्टेक्ट किया था, वो भी हैरान थी ये सुनकर। आई नो, इसीलिए मुझे जो कुछ भी कहना है मैं उनको कह चुकी हूँ। एंड नाउ यू लीव मी अलोन। मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, बता सकोगी तुम? ये सच है कि दानियाल मुझे पसंद करता था, शायद मैं भी करती थी, लेकिन हमारे बीच रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था। तो ये जो सब कुछ हमारे दरमियान है, ये खत्म हो रहा है? हाँ, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। आप क्या चाहती हैं यार? कितनी बार बताऊं तुम्हें? आप ये सब इसीलिए कर रही हैं क्योंकि आप बाबा के ऑफिस में काम करती हैं और मेरे पेरेंट्स के बहुत एहसानात हैं आप पे। शायद,
या शायद इसलिए कि ये रिश्ता कभी शुरू होना ही नहीं चाहिए था। आप कैसे कह सकती हैं कि आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? दानियाल, हम दोनों के बीच जो हुआ वो गलती थी, भूल जाओ उसे। आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। वक्त आसानी पैदा कर देता है, कोशिश तो कर सकते हो ना। करनी मुझे कोई कोशिश यार। दानियाल प्लीज स्टॉप इट। तो मेरा इरादा तब्दील नहीं कर सकते। ये सोचो कि तुम्हारी फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम दोनों की जिंदगी बहुत फर्क है। फर्क? सामिया लिसन, आप पूरी दुनिया में वो वाहिद शख्स हैं जिसने मुझे समझा है। दानियाल लिसन, लिसन, फिर तुम मेरे फैसले को भी समझो। हम दोनों दोस्त रह सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इट्स अ फैक्ट, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास। शादी करो किसी से, आई एम श्योर इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करे, चाहता हो तुम्हें। हाँ बिल्कुल होगा पूरी दुनिया में कोई ऐसा, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं चाह सकता। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी अपने लिए जीनी है। I'm sorry. Hi viewers, मुझे आप सबके कमेंट्स मिल रहे हैं लेकिन आज मैं कोई नई डेवलपमेंट के साथ आपके सामने नहीं आई हूँ। अभी कोई यकीन से कह रहा है कि दानियाल मुजीब गिल्टी है, तो कोई सामिया खान के ऊपर उंगली उठा रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइवर के साथ मुजीब जमान और उनकी बीवी के ऊपर भी शक कर रहे हैं। मेरी वीडियोज ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं लेकिन जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को सबूत के तौर पे नहीं बल्कि क्लूज के तौर पे देखें, क्योंकि असल में उस रात क्या हुआ था और असल मुजरिम कौन है इसके बारे में अभी तक हम में से किसी को भी नहीं पता। तो एक बात मुझे सच सच बता दे, सखियत तू क्यों पूछ रही है ये? क्योंकि मैं जानती हूं तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तू बता देना सच, क्या हुआ था उस रात? तू जानती तो है। देख हमीद, तेरे पास अभी भी वक्त, मेरा जमीन मुझे रातों को सोने नहीं देता। तेरा अपना बच्चा तेरी तरह चोरियां करने लगा है, जिंदगियां तबाह हो रही हैं। ये दुनिया आरजी है हमीद, दुनियावी सजा से बचने के लिए खुद को दोजख की आग में मत धकेल। तेरे साथ जो बंदे पकड़े गए थे उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब तू बता, मुझे बता सच क्या है। पैसे की परवाह बिल्कुल मत करें, एक दफा काम हो जाए ना तो हम पैसे कम करवा लेंगे। मैं चाहती हूँ डांस फ्लोर के कोने कोने पे ना हैंड पेंटेड चुखताई आर्ट, इवन इफ इट्स फॉर वन नाइट। बीबी जी, जी वहाँ टेबल पे रख दीजिए। हाँ चले, मैं आपको बाकी अरेंजमेंट्स दिखा देती हूँ। एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट, मेरे बेटे की शादी है। अरे भाई, मेरे इकलौते बेटे की शादी है, इतनी मुश्किल से उसने हाँ की है शादी के लिए। बस मैं चाहता हूँ कि पैसा चाहे पानी की तरह क्यों ना खर्च हो जाए, किसी चीज में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। अच्छा ये बताइए कि मर्सिडीज का क्या हुआ? अबे जा यार, इतने बड़े घर में घुसने के बाद भी वो छोटी छोटी चोरियां करनी पड़ रही हैं, दफा बे। और तू कोई ऐसा जुगाड़ क्यों निकालता कि तुझे कई साल तक नौकरी ना करनी पड़े, कोई लंबा हाथ मार। मैं सोच रहा हूँ छोटे साहब से बात करूँ कि शादी के बाद नौकरी कुछ पक्की कर दे मेरी। वो इनकी गुलामी कौन सी पक्की होती है? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो तुझे अपने दफ्तर में लिफ्ट ऑपरेटर रख लेंगे और तेरे दिन बदली हो जाएंगे। अबे जब महल में दाखिल हो गए तो छोटी चोरियाँ क्यों करें? अबे क्यों ना एक बड़ा हाथ मार ले। दूसरों की जन्नत को छोड़ अपनी जन्नत बना। सही बोल रहा भैया,
छत से सारी लाइट्स उतार ली थी ना, गार्डन में जो टेबल्स पड़ी वो भी ले जाएगा, 75,000 है। हमीद आप भी अपनी तनख्वाह ले लीजिएगा नेक्स्ट वीक, आपने बहुत हमारी मदद की शादी के दिनों में, थैंक यू सो मच। आप यहाँ? हाँ बस सर ने कहा था कुछ पेमेंट्स क्लियर करनी है, वापस जा रही हूँ ऑफिस। आयला कहाँ है? रूम में। क्या सोचा तुमने उस बारे में जो हमने डिस्कस किया था? देखो वक्त जाया मत करो, यही वक्त है। वैसे भी अब तो शादी की रस्में भी खत्म हो गई हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा लगेगा उसे। डू समथिंग नाइस फॉर हर। या हमीद बता रहा था कि उसको उस जगह का पता जहाँ की चाय आयला को पसंद है, सोच रहा था उसको वहां ले जाऊं। अच्छा लगेगा उसे, बल्कि कल रात ही एक सरप्राइज प्लान कर लो। आयला हम तुम्हारी बात कर रहे थे अभी। मेरा काम करोगे? जी सर, हुक्म कीजिए। लेकिन इस काम का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, बताइए। खैर किसी से मेरी मुराद है आयला को नहीं पता चलना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक चाय वाले ढाबे का पता करने के लिए कहा था जहाँ की कश्मीरी चाय बहुत मशहूर है। जी जी सर, मैंने पता लगवा लिया है, जगह वही है। ऑसम, तो बस मैं आयला के साथ कल वहाँ जाना चाहता हूँ। जी जी सर, कोई मसला ही नहीं है, आप जब बोले मैं आपको पहुँचा दूंगा। वैसे रात में वहाँ रश कम होता है। थैंक्स सर। अब जगह सेफ? जी बिल्कुल सर, आप फिक्र मत कीजिए। वो ऊपर मेरा वेट कर रही है, जैसे ही यहाँ से फ्री होंगे तो आखिरी स्टॉप चाय ढाबा। जी सर बिल्कुल। तैयार हो तुम लोग? बस हम एक घंटे में वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने कहा है। हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था, सोचा था कुछ ही देर में बहुत बड़ी रकम हमारे हाथ में आ जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं जैसा सोचा था। मैंने उनसे कहा था कि थोड़ी दूर मुझे ले जाकर हवा में फायर कर दे ताकि मुझ पे शक ना जाए और मुजीब जमान के खानदान को लगे कि सबसे पहले मुझे मार दिया गया था। प्लान के मुताबिक मैं वहां से तीसरी लोकेशन पे पहुंचा जहां पर उनको दानियाल को लेकर आना था। हाथापाई में सब गड़बड़ हो गई और वो लोग दानियाल की जगह लड़की को लेकर चले गए। अगर फिर वाली थी सखिया, यकीन कर मैं उसका कत्ल नहीं करना चाहता था। मैंने क्या कर बैठा सखिया, ये मैं क्या कर बैठा?
मैं तो अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, अगर मैं सारी जिंदगी भी लगा रहता तब भी इतना नहीं कमा सकता था जितना वो एक दिन अपने खाने पे खर्च कर लेते थे। ऐसे क्या देख रही है, आज तूने मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दिया अमित। झूठी नहीं है, मैं झूठा हूं, लेकिन मैं आपको और झूठ नहीं बोलना चाहता। सब इतराफ करना चाहता हूं, मैं आपकी ये भीख नहीं रख सकती। ओहो भाई, तुम ये घर कैसे चलाओगी जब कमाने वाला ही नहीं होगा। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, एक बार फिर पूछ लेती हूँ, लेकिन अगर उसने यही कहा कि आपके बेटे के कहने पे उसने कत्ल किया है तो फिर क्या करेंगी आप? तो फिर मेरा तुमसे वादा है कि मैं अपने बेटे से वही सवाल करूंगी जो मैं तुम्हें कह रही हूँ अपने शौहर से करो। मुझे तो पूरा यकीन है मेरा दानियाल ये सब नहीं कर सकता। क्या तुम्हें अपने शौहर पे पूरा यकीन है? देखो एक काम करो, ये सवाल करने से पहले ना उससे कहो कि जो लोग उसके साथ मिले हुए थे ना उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है, फिर देखो वो जवाब क्या देता है। छोटा सा झूठा छोटा सा काम है, तुम कर सकती हो, रख लो। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी। जी फरमाइए। क्या ये पॉसिबल है कि ज़किया और हमीद की अगली मीटिंग आप रिकॉर्ड कर लें? मैं उसका कत्ल नहीं करना चाहता था। क्या कर बैठा ज़किया, क्या कर बैठा हूँ? तो अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, अगर मैं सारी जिंदगी भी लगा रहता तब भी इतना नहीं कमा सकता। जाओ उसकी रिकॉर्डिंग निकालो, जाओ। ओके सर। जल्दी झूठ बोलने का वक्त गया। हमीद एतराफ कर चुका है कि तुम दोनों उसके साथ थे, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। ये लोग बड़ी वफादारी निभा रहे थे। तुम लोग जानते हो तुम लोगों को पकड़वाया किसने? बारे हमीद ने, उसी ने टिप दी थी कि तुम दोनों कहां छुपे हुए हो। महज कुछ जेवरात लेने के चक्कर में अपने घर से उसने तुम सबको पकड़वा दिया, और इसका भी एतराफ कर चुका है वो। अब बताओ हमें सच सच बताओगे? अरे कुछ पूछ रहा हूं मैं तुम दोनों से। नहीं नहीं कहानी बनाने का वक्त गया। हाँ। कुछ चारा भी तो नहीं। हाय व्यूअर्स, आज हर न्यूज चैनल और हर अखबार में एक ही हेडलाइन चल रही है, हमीद और उसके साथियों ने एतराफ कर लिया है कि वो कुछ पैसों के लिए दानियाल मुजीब को अगवा करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर मामला बिगड़ गया और एक बेकसूर लड़की आयला नदीम अपनी जान खो बैठी। हमीद का कहना यह था कि वो रकम हासिल कर फरार हो जाना चाहता था। वो समझ रहा था कि सबको ये लगेगा कि वो हलाक हो चुका है और इस तरह उस पर शक आएगा ही नहीं, मगर इस तरह शनाख्त बदल कर भाग जाना इतना भी आसान नहीं, और इससे ये मालूम होता है कि वो एक तजुर्बकार मुजरिम नहीं था। दानियाल मुजीब बेकसूर है। पकड़े जाने पे हमीद ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया क्योंकि उसे लगा था कि इससे उसकी सजा कम हो जाएगी। जहां तबकाती फर्क इतना ज्यादा हो वहां इस किस्म के जराइम तो पैदा होते ही हैं।
इस फर्क को कैसे कम किया जा सकता है और इन जराइम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये सोचना पॉलिसी मेकर्स का काम है। मगर अफसोस मुझे इस बात का है कि जल्दबाजी में बनाई हुई मेरी चंद वीडियोस की वजह से बेकसूर लोगों के ऊपर शक किया गया और उनके ऊपर कीचड़ भी उछाली गई। बेटा, आई लव यू बेटा। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना। चुप। मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ और अपोलोजाइज भी करती हूँ। मेरी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा है और उन पर गलत इल्जाम भी लगे। आज एहसास हो रहा है कि सोशल मीडिया के दौर में मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कितना खतरनाक हो सकता है। आई गेस मुझे और एहतियात करनी चाहिए थी। कुछ पूछना है? वो जब मैं नीचे आ रही थी तो आप और दानियल क्या बात कर रहे थे? अगर ये सवाल तुम दानियल से पूछोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं दानियल की बीवी हूँ, ये पूछने कहा क्या मुझे? बिल्कुल है, लेकिन यही बेहतर है कि ये सवाल तुम दानियाल से ही पूछो। दानियाल को पता भी था कि मैंने सैलून जाना है, पता नहीं हमीद के साथ इतना इम्पोर्टेंट क्या काम था। ये भी उससे जरूर पूछना। अब चले। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आई एम सॉरी बट मिले जाना जरूरी है। आपने दानियाल से रिश्ता क्यों खत्म किया? हाँ, इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। दानियाल से रिश्ता इसलिए ख़त्म किया क्योंकि मेरी मर्जी थी। एज डिफरेंस की वजह से? नहीं, शायद इस वजह से कि वो मुझे ज़्यादा पसंद करता था और मैं इतना नहीं। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ बहुत अलग हैं आयला। दूसरी शादी, एक और सीरियस रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों की जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में। एक बार दोबारा सोचा भी नहीं? नहीं, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया था। एंड आई होप ये तुमने भी फैसला बहुत सोच समझ कर ही किया होगा। दानियाल ने तुम्हें पहले सच सच बता दिया था ना शादी से पहले, इसीलिए तुमने ये डिसीजन लिया है ना? हाँ, एक एडवाइस जरूर दे सकती हूँ अगर इजाजत है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए माजी की बातों को भुलाना चाहिए, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। डोंट ड्वेल ऑन हिज पास्ट। पुरानी बातों को याद रखोगी तो अपनी रिलेशनशिप खराब करोगी। ओके? बट सो अनोइंग एट टाइम्स। आई डोंट डिसएग्री। थैंक यू। किस बात का? You're welcome. यहाँ कैसे? आपको लेने आया। मैं कहीं नहीं जा रही। I wish मैं सब कुछ बदल सकता। क्या क्या बदलते तुम? कौन कौन से लम्हे बदलते? जब तुमने हमीद को हायर किया था, या वो लम्हा बदलते जब तुमने आयला को प्रपोज किया था, या माजी में जाके वो शाम बदलते जब तुमने उसके लिए एक सरप्राइज इवनिंग की अरेंजमेंट की थी? छोड़ दो ये सब कुछ सोचना। मैं खुद अब इस एहसास से समझौता कर चुकी हूँ कि अगर इंसान माजी में जाकर अपने खुशी वे लम्हे बदल सकता, कभी भी अपने आप को इतना बेबस ना फील करता। Thank you.
अगले हफ्ते शादी है तुम्हारी और अभी भी ऑफिस आ रहे हो? आज आखिरी दिन है, कल से छुट्टी। अच्छा लिसन, वो आपने किसी अपार्टमेंट का जिक्र किया था, क्या बना उसका? हाँ बताया था ना, बहुत पैसे मांग रहे, डाउन पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास, इतनी सेविंग्स नहीं है मेरी। अगर आपको पसंद है तो आई थिंक वो आपको ले लेना चाहिए, अभी भी तो इतना रेंट जाता है। क्या फर्क पड़ता है, पहले भी रेंट देती थी, अब भी रेंट देती हूँ, एटलीस्ट घर तो है। अपना तो नहीं है ना? मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपके पास जितने पैसे भी कम पड़ रहे हैं आप मुझसे ले लें प्लीज। Absolutely not. Stop being so stubborn. लोन समझ के ले लें। ओके तो इसका मतलब है कि अब हम दोस्त भी नहीं हैं। ये बात नहीं है, इतना बड़ा फेवर नहीं ले सकती मैं तुमसे। दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। अच्छा let me think about it. No, please don't. बस अब ये फाइनल हो गया कि आपके पास जितने पैसे भी कम पड़ेंगे अब वो मुझसे लेंगे। ओके 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 लेकिन एक शर्त पे, लोन समझ के लूंगी। ओके ऑफ कोर्स, इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है कि इतना बड़ा लोन माफ कर दूं। वादे के मुताबिक ही पूरी रकम है, कहा था ना मैंने आपसे कि पैसे अरेंज हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने आपके ऑफिस भिजवा दिए, साइन कर दिया था मैंने। हेलो, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। जानते हो जब इंसान एक बहुत बुरा ख्वाब देखता है ना, तो उठकर हमेशा शुक्र करता है, लेकिन जब वो ख्वाब हकीकत बन जाए तो फिर उसे उठने में बहुत खौफ आता है। ऐसा ही कुछ एहसास मुझे हर रोज सुबह होता है। कैसे एक ही रात में हम सबकी जिंदगी बदल गई। अब ना वापसी का कोई रास्ता नजर आता है ना ही आगे का। कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा हमें, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ढूंढना पड़ेगा खुद से। और ये लोग, ये दुनिया, ये आज भी हमें मुजरिम समझ रही है। इस दुनिया में सच से ज्यादा शक और शुबे को तरजीह दी जाती है, और तभी एक मासूम को हमेशा मुजरिम करार दिया जाता है। पढ़े थे तुमने वो सारे कमेंट्स जो यूट्यूब वीडियोस पे आए थे? देखा था लोग क्या कह रहे थे? कोई कह रहा था तुम कातिल हो, कोई कह रहा था मैं कातिल हूं, कोई तुम्हारे बाबा पर इल्जाम लगा रहा था, कोई कह रहा था तुम्हारी अम्मी मुलब्बिस है। जब एक बार इंसान पर तोहमत लग जाए ना, तो उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा चाहते हैं कि आप ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लें। It's okay.
मैं माजी की सारी चीजों को भुलाना चाहती हूँ। मुझे भी। नहीं, तुम ही तो एक विवाहित शख्स हो जो समझ सकता है कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। अब यही तो वक्त है कि हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। जी बाबा। नहीं, मैं सामिया की तरफ हूँ, कुछ वक्त लगेगा। ओके, हाफिज। होता है असल मुजरिम, होता भी है या बनाया जाता है? हम कहाँ जा रहे हैं, इतनी सुनसान जगह है। It's already midnight. कितना और सरप्राइज़ है। अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो ये ठोकूंगा तेरे को। इस दुनिया में सच से ज्यादा शक और शुबे को तरजीह दी जाती है। और तभी एक मासूम को हमेशा मासूम करार दिया जाता है। कौन होता है ये असल मुजरिम, होता भी है या बनाया जाता है?